बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की। शिबा इनू कॉइन के आज जो प्राइस चल रहे हैं वो 38 की सीरीज चल रही है डॉलर्स में और 27 की सीरीज चल रही है इंडियन रुपीस में। कल भी यही प्राइस थे, ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशंस प्राइस के अंदर नहीं है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखें, यहाँ पे मार्केट का जो प्राइस चल रहा है, अगर मार्केट को आप देखेंगे, बिटकॉइन के प्राइस 50,000 डॉलर पे आ गए हैं। 51 पे पहुंच गया था लेकिन 50 पे आ गया है। थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम जो है हल्का सा बियरिश देखने को मिल रहा है आज क्रिसमस के मौके पे। और क्रिसमस के इस टाइम पे आपको जो है इथेरियम के प्राइस भी देखने को मिलेंगे, 40 के करीब इथेरियम के प्राइस चल रहे हैं। तो ये कुछ करंट सिचुएशन अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बनी हुई है। और इस क्रिसमस पे क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं शिबा इनू को लेके, क्या कुछ होने वाला है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज प्राइस के अंदर एक जंप हम देख सकते हैं कल, क्योंकि कल भी बर्निंग होने वाली है यहाँ पे 200 मिलियन टोकन्स की। जी हाँ, 200 मिलियन टोकन्स शिबा इनू टोकन्स यहाँ पे बर्न किए जाएंगे कल। इससे पहले 700 मिलियन टोकन्स को बर्न किया गया है और 200 मिलियन और बर्न होंगे, तो कहीं ना कहीं एक प्राइस के अंदर हमको सर्ज देखने को मिल सकता है। अब ये सर्ज छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन देखें तो एक सर्ज जरूर देखने को मिल सकता है, छोटा सा ही देखने को मिलेगा। और ग्रीनरी हमें कल भी देखने को मिल सकती है। अगर ये मार्केट को अगर हम समझें तो ये मार्केट आपको नए साल के अंदर काफ़ी बुलिश दिखने वाला है। क्यों दिखने वाला है? क्योंकि मार्केट यहाँ से किस तरह परफॉर्म करने वाला है। मार्केट यहाँ पे आप देखो, अब थोड़ा दो दिन ऊपर रहा, ग्रीन में गया, बहुत अच्छा ऊपर रहा, फिर थोड़ा सा डाउन आया। इसी तरह इस ट्रेंड में ऊपर जाएगा कि थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे ऐसे करते जो है मार्केट यहाँ पे काफ़ी बुलिश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए साल के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है, बर्निंग होने वाली है 26 दिसंबर को। इसके अलावा 29 दिसंबर को 6 PM डेविड गॉक्सटीन की हम बात करते थे, डेविड गॉक्सटीन यहाँ पे AMA करने वाले हैं। पूरी शिबा इनू टीम रहेगी, डेविड गॉक्सटीन ने ये होस्ट किया है और ट्विटर के ऊपर ये AMA होने वाला है। अब इस AMA सेशन के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिस्कशंस हो सकते हैं, हो सकता है नए साल के अंदर क्या कुछ करने वाले हैं और उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है। और यहाँ पे प्ले साइड स्टूडियो ने भी एक सिग्नल दिया है कि जल्दी ही मेटावर्स और गेम जो चीज़ है, सबसे पहले गेम आ सकती है शिबा इनू की। और शिबा इनू गेम का ना पूरी कम्युनिटी वेट कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत वेट हो रहा है इस गेम का। और शिबा इनू की इस गेम आने के बाद शायद आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। और लिस्टिंग्स तो हैं ही लिस्ट के अंदर, बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं, रोबिनहुड की है, बिट्सो की है, बिट स्टैम्प की है, इंडो एक्सचेंज की है, 4-5 तो हमारी लिस्ट में ऑलरेडी हैं, लेकिन 4-5 हम अनएक्सपेक्टेड भी लेके चल रहे हैं। तो 9-10 लिस्टिंग हम लेके चल रहे हैं कि आपको जनवरी स्टार्ट होते ही जो है लिस्टिंग्स का सफ़र देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा बाद में भी लिस्टिंग्स होती रहेंगी, जहाँ जहाँ शिबा इनू लिस्ट नहीं हुआ सब जगह पहुँच जाएगा। तो लिस्टिंग आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी। और ये कुछ चीज़ें शिबा इनू कॉइन को लेके चल रही हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का डाउन आज चल रहा है। 2021 यहाँ पे बिल्कुल एंड होने वाला है, लेकिन 2021 ईयर ऑफ द टोकन जो भी रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। मतलब जिसको भी हम कहेंगे वो शिबा इनू को ही कहेंगे, चाहे वो ग्रोथ के मामले में हो, चाहे वो किसी और चीज़ के मामले में हो, ट्रेंडिंग के मामले में हो, किसी और चीज़ के मामले में हो, सारी चीज़ों के मामले में यहाँ पे शिबा इनू आगे रहा है 2021 के अंदर। अब यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि अब शिबा इनू को यहाँ पे और ऐड करें या नहीं करें। बहुत सारे लोग यही कन्फ्यूज़न है कि और हमें शिबा इनू को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, ये डिसीज़न आपका है, आपको कितना शिबा इनू को ख़रीदना है, कितना आपको सेल करना है, वो सब डिसीज़न आपके हाथ में है। लेकिन जिस तरह का रोड मैप 2022 के अंदर देखने को मिल रहा है, जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और उसको अगर देखें तो आप SIP कर सकते हो। एक तो शिबा के प्राइस अभी कम है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरा एकदम से पूरा लगा दो, और एक SIP कर सकते हो, हर महीने या हर हफ्ते आप जो है शिबा इनू कॉइन्स खरीद सकते हो और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, है ना। 100-200 भी अगर पर वीक आप ऐड करते हो तो काफ़ी शिबा टोकन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप SIP करके शिबा को ले सकते हो। अभी मौका अच्छा है क्योंकि लो कॉस्ट टोकन है, अभी भी शिबा के प्राइस एक अच्छे, मतलब 1 रुपये से कम है, तो आपको ज़्यादा कॉइन्स मिल जाएंगे। लेकिन जब ये 1 रुपये को टच कर जाएगा या $1 को हिट कर जाएगा, तब आपको शायद ये चीज़ें देखने को ना मिले। तो अगर आप ये कन्फ्यूज़ हैं कि हम और कॉइन लें या ना लें, तो आप पर वीक का SIP लेके चल सकते हो या पर मंथ का लेके चल सकते हो, और एक साथ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर वीक का भी सही है।
बाकी डिसीजन आपके हाथ में है, पूरी रिसर्च करके आप जो भी करें रिसर्च कर लें, किसी भी क्रिप्टो या शिबा में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, वो बेहद ज़रूरी है, तभी आप कोई डिसीजन लें। जिस तरह से आपको पता है डोज कॉइन और शिबा इनु कॉइन का आपस में वॉर चल रहा है, डोज कॉइन 12 पे स्टेबल हो गया है, शिबा इनु 13 पे है। डोज कॉइन का अगर मार्केट कैप देखें इस टाइम पे 25 बिलियन डॉलर का है, शिबा इनु का 20 बिलियन डॉलर का है, तो एक तरह से 12 और 13 पे दोनों बैठ गए हैं साथ साथ चिपक के। और यहाँ पे ये देखने वाली दिलचस्प होगी बड़ी चीज़, क्योंकि 2022 में कौन आगे जाता है, क्योंकि डोज कॉइन का भी पलड़ा भारी है, बहुत पलड़ा भारी है, बहुत सारी चीज़ें डोज कॉइन को लेके भी हो सकती हैं, हम डोज कॉइन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। साथ के साथ शिबा इनु का भी और भी डोज कॉइन से भी ज़्यादा हम मान सकते हैं, क्योंकि शिबा इनु को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और बहुत सपोर्टर बड़े लेवल पे शिबा के आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प रहेगा 2022 में डोज कॉइन आगे जाता है या शिबा इनु जाता है। आपको क्या लगता है कि डोज कॉइन आगे रहेगा या शिबा इनु आगे रहेगा, कमेंट करके आप ज़रूर। और जिस तरह से आपको पता है वेल्स ने पिछले 2-3 दिन के अंदर बहुत बड़े शिबा इनु की बाइंग की है, फिर से ट्रिलियंस में शिबा इनु कॉइन्स को बाय किया गया है वेल वॉलेट्स की तरफ से। और कल एक और अपडेट आई थी, 53 बिलियन कॉइन्स बाय किए गए थे, जो हमने आपको अपडेट दिया था। तो कहीं ना कहीं वेल्स वाला जो सिलसिला है वो चल रहा है और ये शायद आगे भी चलता रहेगा, और 2022 में शायद ये सिलसिला बढ़ भी सकता है। तो हो सकता है 2022 की बात ही कुछ अलग है। तो जैसे जैसे चीज़ें और आएंगी अपडेट आपको करते रहेंगे। तो यही कुछ चीज़ें थी शिबा इनु की, आज कुछ यही परफॉर्मेंस चल रही है, हल्का फुल्का मार्केट भी रेड में है, शिबा भी हल्का फुल्का रेड में है, लेकिन ये जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे शायद ये आपको ग्रीन में देखने को मिल जाएगा, और जल्दी ग्रीन देखने को मिलेगा पूरा मार्केट हमको। तो यही कुछ चीज़ें थी शिबा इनु कॉइन को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और किसी भी क्रिप्टो या शिबा में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर कर लेना, वो बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।